अल्लाह के लिए करो, सारे आमाल मजलिस हो, मजलिस पढ़ना हो, मजलिस सुनना हो, सारी चीजें किसके लिए हो? अगर मैं मजलिस पढ़ते पढ़ते ये ख्याल करूं कि यार खाली तबलीग करूंगा तो तारीफ तो ना होगी, और जब तारीफ नहीं होगी तो मजलिस चलेगी नहीं, और जब मजलिस चलेगी नहीं तो अगली दफा बुलाएंगे नहीं। ये फितरत इंसानी बता रहा हूं मैं। अगर ये चीज सोचा हमने तो फिर हम कुछ भी पढ़ ले तकवा नहीं है, तकवा नहीं है। अच्छा खतीब जाकिरे मौला हुसैन वही तो है जो मजमे को देख कर न पढ़े, खुदा को देख कर पढ़े, वही तो है। अब आप देखिए खुद मुत्तक। अच्छा कोई वली पूर हमारे से मर्दा दूर नहीं है तो बहुत से लोग बेतकल्लुक भी है, एक तो बैठे ही सामने, तो उसमें ये कह सकते हैं मौलाना सुनो बस, जो मिंबर पर आगे बोलना शुरू हो गए। हमने भाई बड़े भाई क्या बताइए, हम घर पर बोले हैं, कहा चलो ठीक है, किताब जो है मुत्तकीन के लिए है, कुरान हकीम ये मुत्तकीन के लिए आया है, हिदायत के लिए, बात समझ में आ गई। अरे मैदान महशर में फरिश्तों को खिस्सा देकर हम निकल लेंगे। अच्छी बेवकूफ बनाना तो हमसे सीखो, वलीपुर के हम हैं, हम निकल लेंगे। हमने कहा है कैसे निकल लोगे, कहा अली के चाहने वाले हैं हम। हमने कहा सुनो, अली अमीरुल मोमिनीन बाद में है, इमामुल मुत्तकीन पहले है। नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, मौलाना तो है, ये है बचा ली है हमने, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कि मुत्तकी जो नहीं है अली उसको मुंह नहीं लगाता। बताओ मैं एक मिसाल, जब मैं पढ़ता था जवादिया अरबी कॉलेज में, तो जवादिया है पल्ला घाट, उससे जस्ट पीछे जहां वो नाश्ता करने जाते थे एक मोहल्ला है, उसका नाम चौहट्टा लाल खान है, सुना ना? तो चौहट्टे में मजलिस हुई, और जाकिर का नाम भी नहीं ले सकता मैं, अदब का मकाम है, और मजलिस भी एक मौलाना के घर हुई थी, उन्होंने अपनी वालदा के मजलिस की थी या वालिद की, बहुत बड़े पैमाने में की थी। हम तो तालिबे थे, हम गए वहां पर शिरकत करने के लिए, सुनते रहिए मुत्तकी के सिलसिले में। अब जब खतीब ने मजलिस पढ़ी तो क्या कहना, फलक शिका छते हो गए जरा। उसमें एक फिकरा जो पढ़ा वो मेरे मिजाज पर बार था। अब उसको सोचिए मेरी कोई औकात आज नहीं तो कल कहां क्या थी, मैं तालिबे था एक अदना सा और आज भी हूं। तो उन्होंने जो बात पढ़ी, कहा कि मैदान महशर होगा, और खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये मिसाल अपने ऊपर दी थी, कहा मेरे नामाए अमाल में सिफर जीरो बड़ा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, ना हसनात है, ना खूबियां है, ना खैरात है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है कि बुद्धि में हाथ डाल कर ले जाओ जहन्नम में। और जहन्नम के फरिश्ते मुझे ले ही जा रहे थे कि एक दफा पकड़ लिया मौला ने, कहा ले जा रहे हो? अब जो मैंने देखा है मौला ने, मौला आप आगे आपके ऊपर तो जान निसार करते हैं, आपके ऊपर तो ऐसी सी मस्जिद पड़ी है, अच्छे अच्छे को लोगों बहकाया है मैंने, कैसी बात कर रहे मौला, देखिए बचा लीजिए। मौला का क्या बात है? क्या मौला हसनात कुछ नहीं है, नेकियां कुछ नहीं है, खैरात कुछ नहीं है, खूबियां कुछ भी नहीं है मेरे नाम है अमल में, वैसे ही जहां तक मौला आप ही के सहारे तो हम जिंदगी बसर की है, मोहब्बत आप ही से किया है हमने, तो मुझे बचा ली दिया। तो मौला ने कहा अरे घबराते कहा है, मैं हूं ना, अरे शब हिजरत वाले में से दे दो, और ज़रबतो अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादति सकलैन, खंदक में अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत पर वज़नी है, चाहे सकलैन की इबादत से लेके
खाली कर लो। तो भैया हम पार हो गए। अभी तो बहुत अच्छी मार पड़ी और उठ गया मजमा। उठना भी चाहिए। हमारी नमाजों में दम नहीं है, हमारे रोजों में दम नहीं है, हमारे अमर बेमारूफ और नहीं अनिल मुनकर में दम नहीं है, हमारे माँ का एहतराम और बाप का ख्याल करने में इतना दम नहीं है कि अपने किए के ऊपर इतना हम भरोसा कर ले कि जन्नत मिल जाए। ये सही है कि अगर अली की शफाअत ना होगी, जहरा की सिफारिश ना होगी तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। मगर कान खोल कर सुन लीजिए मणिपुर वालों, ये दौलत चाहे शबे हिजरत की हो, चाहे जरबत वाली दौलत हो, अकाउंट हो मौला का, ये सारी दौलत मुत्तकीन के लिए अली ने कमाई है। अरे हम बाजार हाट में रहने वाले, कोर्ट कचहरी में जिंदगी
जिंदगी बसर करने वाले, बाजार में जिंदगी गुजारने वाले। तकवा, तकवा तो मौलवियों का, मौलवी टाइप लोगों का, हम इनका तो कोई मार्केट नहीं है। घर से मस्जिद और मस्जिद से घर, इनका कोई मैदान ही नहीं, फील्ड ही नहीं है। तो ये था नहीं, नहीं बेचारे की गलती नहीं। जानते क्या है, मुल्लाओं ने या जो मौलवी ढंग से नहीं बन पाते वही ज्यादा गाढ़ा तकवा हकते हैं। क्या है, इतना लफ्ज़े तकवा को गाढ़ा बनाकर आवाम के सामने पेश किया कि आवाम भी ये समझने लगे तकवा भी लकवा की नस्ल की कोई चीज है। हम तो नहीं अख्तियार कर सकते, हम कैसे तकवा अख्तियार करें। देखिए बात सामने की है, तकवा उसे नहीं कहते कि हाथ से आस्तीन उलट लिया और वाश बेसिन की टोटी खोल ली और गिनती गिनना शुरू कर दिए 40, 50, 60, बाकी नहीं हो रहा है। तकवा इसको नहीं कहते आशीष, तकवा पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, मुश्किल नहीं है। तकवा जाइए डिक्शनरी में देखिए तकवा के माने क्या है, तकवा लुगत में देखिए किसे कहते हैं, तो तकवा के मानी होंगे परहेज, बचना, बचाना, खुद भी नुकसान ना हो दूसरों का भी नुकसान ना हो, इसका नाम क्या है, तकवा। तो क्या तकवा नहीं किया करते हैं, रोड पर जा रहे हैं, सिग्नल नहीं हुआ है, वलीपुर में ना कोई जियाना और पुलिस वाला भी खड़ा हो है, सिग्नल तोड़ देगा योगी के राज में। मेरा बहुत शेर बनते तो वलीपुर में, आप क्या हुआ, तो कहने लगे मौलाना तकरीर तो करना नहीं है, बाइक चलाना है, गाड़ी चलाना है। हमने कहा का रोड का तकवा ये कहता है एक्सीडेंट से बचना या बचाना हो तो रोड का कानून मानना पड़ेगा, रोड का कानून माना यही तो तकवा हुआ, रोड का कानून माना यही तो तकवा। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, वक्त आपका जाया बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन बात जहनों में राशिफ हो जाए इसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं इनमें कोई कभी भी बीमार ना पड़े, अगर परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर ले तो मैं तो ये दुआ करूंगा परवरदिगार हमें मौत ही ना आए जब तक कि हमारे इमाम ना आ जाए, हमारा तो यही कहता। लेकिन क्या कीजिएगा, छोटी बड़ी बीमारियां होती रहती हैं, इधर उधर से एक दो टेबलेट्स लिए खा लिए और अच्छे हो गए, लेकिन अगर कोई सीरियस हो गया तो उसे अस्पताल में दाखिल कीजिए। अब जब अस्पताल में दाखिल किया तो हर दिन अजीज मरीज है, बेवाओं यतीमों का दुख बांटने वाला हमदर्द खाहा है, यतीम और बेवाओं के घर में भी दुआएं, गरीब घरों में दुआएं हो रही हैं, डॉक्टर बड़े अच्छे मिले, गैर मुल्की दवाएं हैं, गैर मुल्की इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, यहां तक कि 3 महीने की दवा और दुआ के सहारे मरीज चलने लगा, लोगों को ये उम्मीद हो गई कि अब तो जनाब अच्छे हो गए। लेकिन एक दिन 1 बजे रात को फोन किया, डॉक्टर साहब हाँ भाई मरीज की हालत अबतर है। डॉक्टर भागी आए, देखा नब्ज डूब रही है, आंखें धसी हुई हैं, हाथों पैरों में तशद्दुज के अलामत। तो डॉक्टर पहला सवाल करता है, दवा इस्तेमाल हो रही है? जी डॉक्टर साहब, जितनी चीजें आपने कही थी दवा इस्तेमाल हो रही है, परहेज हो रहा है? जी डॉक्टर साहब परहेज भी हो रहा है, मगर क्या काम, मगर ये डॉक्टर साहब ये चंगे हो गए थे, हम लोग को ये उम्मीद हो गई थी हम तो बहुत अच्छे हो गए, मगर एक दिन आज ही जो शाम गुजरी घन घन कबाब बन रहे थे, खुशबू इन तक पहुंची, इन्होंने कहा अब तो मत अल्लाह के कर्म से जिंदा ठीक हो गए हैं, सेहतियाब हो गए, अब मुझे भी खिला ही दो। डॉक्टर साहब 8 कबाब तो जनाब ने बगैर पानी पिए। डॉक्टर जब 8 कबाब खिलाई हुई है तो मेरे पास आया है,
कफन लेने गए होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए कभी कभी इंसान बदतरीजी मर जाता है, कभी कभी अल्लाह का फजल करम रहता है, ठीक रहता है। मगर मैं आपसे पूछूंगा और आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे बताइए आप, इलाज कई चीजों पर अमल करने का नाम है, इलाज कई चीजों पर अमल करने का नाम है। तो आप मुझसे यही कहेंगे इलाज दो चीजों पर अमल करने का नाम है, कुछ करते रहना, कुछ से बचते रहना। करते रहना दवा इस्तेमाल करते रहना, बचते रहना जो चीजें दवाओं के असरात को जाहिल और बर्बाद कर दे उन्हें हाथ न लगाना, उनसे बचते रहना। ए अज़ीज़ाने गिरामी, हम तो दवाएं इस्तेमाल करते रहे, क्या मतलब? नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, हज करते रहे, मस्जिद में शिरकत करते रहे, मगर साथ ही साथ बदपरहेजी भी की है, झूठ भी बोला है, गीबत भी की है, गालियां भी दी है, बड़ों का एहतराम भी नहीं किया है, मां को सताया भी है। तो जब चंद कबाब कीमती दवाओं तो साथ ही साथ तकवा अख्तियार करें, क्योंकि हमारा इमाम अमीरुल मोमिनीन के साथ साथ इमामुल मुत्तकीन भी है। इसीलिए अमीर शाम ने अमीरुल मोमिनीन तो कहला दिया अपने को, इमामुल मुत्तकीन कहला एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मां क्या कहना। जब तक दादा समझ में नहीं आएगा सातवां इमाम समझेगी नहीं, समझ पाएंगे आप। अली क्या थे? जंग से पलट रहे थे और खैमा लगाया, खैमे के बाहर निकलकर इब्न अब्बास की रवायत है, बाहर निकलकर भटी जूती में टाके लगा रहे थे। इतनी बोसीदा जूती थी, जहां टाका लगाते थे सुई का नाका चुभोते थे जूती और फट जाती थी। इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिरुल कुरान नबी के चचेरे भैया बर्दाश्त ना हो सका, अली इसको फेंक दीजिए, मौला आप बाजार से दूसरी ले लीजिए, आप तो हाकिम हैं। झुकी हुई नजर इमामत उठी और चेहरा इब्ने अब्बास का जायजा लिया, आवाज दी, इब्ने अब्बास ये जूती तुम्हारे तख्ते शाही से भी कहीं ज्यादा बुलंद है। नहीं 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 समझे, अरे आप समझे, लोगों को भी समझाना है क्या? ये जूती तुम्हारे तख्ते शाही, मौला तख्ते शाही को इतना जलील ना करो, का जलील कर नहीं रहा हूं, जलील है। नहीं नहीं नहीं, रोक के फिर कहता हूं, जब तक समझाऊंगा नहीं सुबह की नमाज नहीं होगी। क्या अब आप सोचिए, मेरा मौला नहजुल बलागा के अंदर तहरीर फरमाता है, तकरीर फरमाता है, जिसको कलम बंद किया है सैयद अली ने, फरमाया कि ये दुनिया मेरी नजर में बकरी की छींक के बराबर भी नहीं है। मौला दुनिया को इतना जलील ना करो। क्या है जलील? वही कुर्बानो, बकरी तो पाले ही हो गए, मालूम है ना, सेहतमंद बकरी कभी नहीं छींकती। जिसको दिल लगाकर इन्फ्लुएंजा हुआ हो वही तो छींकेगी, उसकी छींक के बराबर भी ये दुनिया अली की निगाहों में नहीं है। सुन लिया ना, मौला तख्त शाही को इतना बुलंद है, तख्त शाही आप इतना जलील कर रहे हैं। कार सुना देना चाहने वालों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अली ये कहना चाह रहे हैं कि ए इब्ने अब्बास, तख्ते शाही उस नजीस जगह को कहते हैं जहां हक परस के भी कदम आए हैं, बातिल परस के भी कदम आए हैं। ये जूती वो जूती है जिसमें वही कदम आए जो दो शेर
औरत मिल गई होती, औरत मिल गई होती, सुनो जाए वो जो नस्ली फकीर हो। मेरा मौला क्यों जाए? मेरा मौला तो इतना बड़ा अमीर है, नहीं पहुंच देखो, मेरा मौला इतना बड़ा अमीर है, नहीं फिर कहूंगा, मेरा मौला इतना बड़ा अमीर है कि आज भी कहिए जनाबे अमीर तो कोई और नहीं समझ में आता, मौलूद काबा समझ में आते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह ने गिरामी तो सुनो जाए वो जो नस्लिम इनके वोटों की थी खिलाफत। क्या कह रहे हैं आगे होते सखीफा में तो दौलत मिलती, औरत मिलती, सरवत मिलती, माओ जाओ माल मिलता, लाहो लश्कर मिलता, सरवत मिलती, दौलत मिलती, करोफर मिलता, आन बान छान चौकर जो चाहते हुए मेरे मौला ठोकर मार दे तो सारी चीजें पैदा हो जाए। मेरा मौला क्यों जाता इनके वोटों की दी खिलाफत? अगर मेरे मौला को इनके वोटों की दी खिलाफत की जरूरत होती तो क्या नुसैरी के वोट लेकर खुदाई न करते? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरा मौला मुत्तकीन का इमाम है, मेरा मौला सारी जिंदगी गरीब तो रहा मगर इतना बड़ा अमीर था कि अच्छे अच्छे हाकिमों के पैर लरसते थे अली के सामने आकर, हिम्मत न थी कि लपकुशाई कर लेते। सुन लिया? और अजीज आने गिरामी अब हमारा ये सातवां इमाम देखिए किस तरीके से शुजा है, दिलेर है, सामंत है, गाजी है, निडर सिपाही है। सुनो किसी आगोश की बुजदिल आगोश की परवरदा नहीं है, हैदर करार का चाहने वाला है, हैदर करार का पोता है, ये बुजदिलों की आगोश का परवरदा नहीं है, ये शबे दर्जूर की आगोश का परवरदा नहीं है, ये अंधेरों की आगोश का परवरदा नहीं है, ये वो है जो चला जाए तो अंधेरा खुद ही छड़ जाए, ये चला जाए तो नूर ही नूर नजर आए। देख लीजिए तस्किरा अहले बैत का हो रहा है, लग रहा है कोई बेहतरीन मरकरी लग गई है। ये जिक्र अहले बैत का नतीजा है, क्यों? क्योंकि ये पाकीजा लोग हैं, ये तकवे वाले लोग हैं। जब दरबारे हारून रशीद में हमारा सातवां इमाम पहुंचा तो उसने अपने रोप में लेने के लिए इमाम मुसी कादिम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि देखिए मैं बादशाह हूं, मौला अगर तुम बादशाह नहीं हो, देख रहे हैं मौला बिल्कुल नहीं डरे, हाकिम है तख्त पर वो बैठा है, हुकूमत अली के लाल की है, कहा तुम बादशाह नहीं हो मैं बादशाह हूं। कहने लगा कैसे? कहा कि मैं गदीर से बादशाह हूं, तुमने मेरा माल छीना है तो मियां मिट्ठू बन रहे हो, तुम बादशाह नहीं हो बादशाह हम हैं। बेशक कहा तो मैं तो खलीफा कहलाता हूं अपने को, कहा तुम कहलाते हो लोग मुझे कहते हैं, फर्क होता है कहने और कहलाने में। कहा तुम मौला से कहा क्या आप जो हैं मख्फियाना तौर पर लोगों से बायत ले रहे हैं? कहा बुज़दिल की औलाद नहीं, क्या कहने मैं मख्फियाना किसी से बायत नहीं ले रहा हूं, एलानिया बायत ले रहा हूं, बेशक बेशक मैं ज़हरा का लाल हूं, मैं गदीर का जानशीन हूं, मैं गदीर की यादगार हूं, अली का जानशीन हूं, मेरे हाथ पर बायत करो, तुम क्यों हाकिम बने बैठे हुए हो? तो कहने लगा देखिए खानदान रिसालत के आप भी हैं, खानदान रिसालत का मैं भी हूं, यही चोटीला फिक्रा था, लेकिन इसका जवाब हैदर करार का लाल ही दे सकता था। कहा मैं भी खानदान, अब्बासी खानदान वही तो है, कहा मैं भी खानदान रसालत से हूं, आप भी खानदान रसालत, जैसी फजीलत आप रखते हो वैसी फजीलत मैं रखता हूं, आप बोलिए। इमाम ने जो
जवाब दिया है वलीपुर वालों, इसको गिरा बांध कर रख लीजिए, दिल की बातें न खुल जाए, वालों तारीफ ना कीजिएगा, मुझको मजमयान को दुआओं से नवाज दीजिएगा। फरमाया कि आप भी खानदान रिसालत से हैं, मैं भी खानदान रिसालत से हूं, तो इसलिए मैं भी फजीलत बाब हूं, आप भी हैं, लेकिन मैं हाकिम हूं। मौला ने कहा अच्छा, मैदान महशर हो और रसूलुल्लाह सामने हो तो क्या कहकर तुम सलाम करोगे? देख रहे, मौला ने उसी की जबान से कहवाया, कहा जैसे रसूलुल्लाह आएंगे तो मैं कहूंगा अस्सलाम अलैका या इब्न अम, अरे मेरे चचाजाद भाई। उनको जा लिया और सर कदमों में रख कर कहता है
फरमाई, उसको माफी दी। और अब चूंकि जब वो माफ हुआ तो नंगे पांव था, उसने कसम खाई कि फरजंदे जहरा ने मुझे जहन्नम की आग से बचाया है, लिहाजा इस खुशी में मैं अब हमेशा नंगे पांव चलूंगा। बादशाह तो नहीं, सर्वतमंद था, दौलतमंद था, लेकिन सारी जिंदगी नंगे पांव चला, इसीलिए बिशरे हाफी कहलाए। हाफी यानी नंगे पांव चलने वाला, देखना। तो ये है हमारे और आपके। और इसी तरीके से जब इंसान अली की मोहब्बत, पंजतरे पाक की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलो दिमाग और फिक्र शौक में रचाएगा और बसाएगा, तो ये हो तो सकता है कि गलत काम हो जाए उससे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गलत काम पर इसरार करता रहे। नहीं, वो तौबा जरूर करेगा। पुराना वाकया है, आप सुने हुए होंगे, मेरी जबान से भी सुन लीजिए। अजीजो, मौला का चाहने वाला, अली का चाहने वाला, उसने चोरी कर ली। जब चोरी कर ली, चोरी आदतन की थी, लेकिन नींद मोहब्बत अली में रात भर ना आई। हाय, अली का चाहने वाला मैं और चोरी कर ली मैंने, अब नहीं ऐसा होगा, अब मुझे तौबा करनी पड़ेगी। मगर तौबा कहां करेंगे? बेहतरीन दरबार अली का है, उसी के सामने जाएंगे और तौबा और गिड़गिड़ाएंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे। अली ना बख्शेंगे तो कौन बख्शेगा? आया आवाज, मौला मैंने चोरी की है। अली भी आज के मौलवियों की तरह तो थे ना, हाकिम थे, मगर वो अल्लाह के फरिश्तादे भी थे, रहमते खुदा के मुजस्समे भी थे। फरमाया चोरी कर ली, अरे भूखा रहा होगा इसने चोरी कर ली होगी, तूने मजबूरी में चोरी कर ली होगी। नहीं बबला, भूखा होगा नहीं था मैं, शिकम शेर था, तो हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी। ये कौन कह रहा है? ये हाकिम कह रहा है, ताकि मेरा बंदा माफ हो जाए, मेरा बंदा माफ हो जाए। मगर इस चूंकि मंदिर आखिर पर पहुंचा हुआ था, कह रहा था कि वो इश्क अली कैसा जो चोर हो, अली मैं चोर हूं, मैं आदतन चोरी किया है मैंने, मेरे ऊपर हद जारी कीजिए, मुझे जहन्नम की आग से बचाइए। तब मौला ने कहा अच्छा पंबर जी, आपका छुरी और कपड़ा लेके आओ। अंबर गए, छुरी और कपड़ा लेके आए, छुरी उंगलियों पर रखी, कपड़ा रखा, थोड़ी देर के बाद देखा उंगलियां जुदा हैं, खून टपक रहा है। उसने कहा मौला अगर आप कहें तो ये उंगलियां मैं लेकर चला जाऊं अपने साथ। मौला का तेरा माल ले जा। उंगलियों को उसने अपने हाथ पर, कटे हाथ पर रखता है और कूफे के भरे बाजार में आन कर कहता है, वाह मेरे मौला, तेरी फजीलत को क्या कोई पा सकता है, तेरा कोई क्या नसीदा पढ़ सकता है, तू तो वो है जो अपने गुलामों को जहन्नम की आग से दुनिया में बचा लेता है। देखना वो कसीदा है मौला कायनात पढ़ने लगता है, कोई सुनता है, सुनकर जाकर मौला से कहता है, मौला आपने किसी के ऊपर हद लगाई है? कहाँ, सदा तो दी है। तो वो आदमी आपकी शान में कसीदा पढ़ रहा है, सुनते रहिए। को वलीदपुर वालों कहा वो कसीदा पढ़ रहा है आपका, कबूला मिला। अब वो जब आया, मौला ने कहा ये बता कि कसीदा क्यों पढ़ रहा था मैंने, मैंने तो तेरी उंगलियां काटी है। कहा क्या कसीदा ना पढ़ूं? आप खुद बताइए, जो आदमी दुनिया में अजाबे इलाही से इंसान को पाक कर ले, क्या उसका कसीदा ना पढ़ूं? क्या उसका कसीदा ना पढ़ूं? मौला ने जब इतना देखा तो कहा कंबर कपड़ा ले आओ। कपड़ा आया, उंगलियां रखी, कपड़ा रखा, दुआएं की, नमाज पढ़ी। अब जो कपड़ा हटाया तो ऐसा था कि जैसे लग रहा है कटी ही नहीं, पलट के देखता है, डॉक्टर टाका लगा देता है, पूरी उम्र टाका लगा रहता है। वो डॉक्टर है, ये हकीम उम्मत है, कहीं पता ही चल रहा। मौला से मैं कहूंगा
दुनिया की जोड़ी को, और अगर जोड़नी थी तो काटी क्यों? क्यों ऐसा कहा? तब बात ये है, काटना मेरी अदल की निशानी है, जोड़ना मेरी मोहब्बत की निशानी है। सगे भाई अतील, वो भी बड़ा भाई, माजाया भाई, उसको एक हब्बा रुपया न दे। क्या कहा था अतील ने? अली, जो तुम बेरोजगारी भत्ता देते हो, अब समझे, जो बेरोजगारी भत्ता देते हैं आप, उससे काम नहीं चलता। महीना पूरा जो शहरिया देते हैं नहीं हो पाता पूरा, मेरे आयाल ज्यादा है। तो अली ने कहा क्या करूं? कहा थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। मौलाए कायनात ने अंगारा उठाया, कहा ये देख रहे हो अकील? कहा ये कम लाल है, इसकी सुर्खी कम है जहन्नम के अंगारों से, मैं ये तो देख सकता हूं मेरा भाई भूखा मर जाए, मगर ये नहीं देख सकता कि जहन्नम के शोलों के हवाले हो जाए। जो अपने सगे भाई को नाजायज न दे, हमको बेनमाजियों को, बदपरहेजों को ये मुफ्त में जन्नत का फ्लैश दे देगा। इसको भी क्या आपने स्वदेशी ट्रेन का रिजर्वेशन समझा है? बिस्तर किसी के नाम और शोर किसी रिजर्वेशन किसी के नाम है और शो कोई और रहा है, ये स्वदेशी ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है, वो जन्नत है। तो अजीजाने गिरामी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस्लाम के दायरे में अगर आप हैं तो हमको ये सोच समझ कर जिंदगी बसर करना है कि हमने किसी ऐसे वैसे को इमाम नहीं माना है, बल्कि अली को इमाम माना है जो आदिल है, जो रहीम दिल भी है मगर आदिल है। तो हाँ, अमल कीजिए आप, हमारा अमल अच्छा हो ना हो वो एक अलग बात है, मगर ये तो रहे, मौला आपकी मोहब्बत में हमने नमाजें पढ़ी, मौला हमने आपकी मोहब्बत में परहेज किया, मौला हमने आपकी मोहब्बत में तक्वाए इलाही इख्तियार किया, मगर अब आपके ऊपर है, इसको कबूल फरमाइए, तब मौला कबूल फरमाएंगे। हमारा चाहने वाला था, इसने अमल किया है। अजीजो, मौला लोगों ने कितनी जहमतें उठाई है। ये जो हमारा सातवां इमाम है, इसको क्या कहते हैं? बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज मौला अब्बास को भी कहते हैं, मगर इनको भी कहते हैं बाबुल हवाइज। इनके नाम से दुआ अगर की जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। बाबू है, सब बाबुल हवाइज है, जिस तरीके से कुल ईमान सब है मगर कहलाए अली, उसी तरीके से बाबुल हवाइज सब है मगर हमारा और आपका सातवां इमाम बाबुल हवाइज कहलाया है। मैं एक नन्हा सा वाकया यूं ही सरसरी पढ़कर गुजरना चाहता हूं। हमारे उस्ताद ने कहा था कि आगाई बहजत, ये इनका बचपना था, इन्होंने अपने वालिद से कहा, बाबा मैं सिर्फ रूहानियत में आना चाहता हूं, यानी मौलवी बनना चाहता हूं। इनके बाप ने कहा ना, इजाजत ही नहीं थी। और चूंकि वो भाई बचपन ही से मुत्तकी और परहेजगार थे, चाहते रहे कि बाप मान जाए, बाप मान जाए, किसी तरीके से राम हो जाए, लेकिन काहे को, इत्तेफाक से इनका जाना हुआ काजमैन। तो आगाए बहजत ने सहन में बैठे बैठे रोजे सातवें इमाम को देखा, आवाज दी, मौला आप तो बाबुल हवाइज है ना, और आपके दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। मौला ये आपका गुलाम है और मैं चाहता हूं कि इल्म हासिल करूं और दुनिया में आपके मजहब की तबलीग करूं और नशर इशारत करूं। न जाने कैसे दिल से मांगी इन्होंने, मुंह से नहीं खाली दिल से, जबाने दिल हिली, जबाने दिल हिलती है तो ये सुन लिया करते हैं।
फौरन ही इनके बाप ने अपने पास बुलाया, कब बेटा तुम क्या कह रहे थे, मैं सिर्फ रूहानियत में जाना है। हाँ हाँ कह तो रहा था आपसे, लेकिन आप माने कहाँ। कहा नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस लाइन में चले जाओ और दीन की तबलीग करो। देखा लम्हों और सानियों में बात बदल गई, क्यों, क्योंकि ऐसे दरबार में पहुंच गए थे और इमाम ने दीन के खातिर इतनी मुसीबतें उठाई हैं कि आपको तीन कैद खानों में रहना पड़ा है। तीन कैद खानों में इमाम को रहना पड़ा है। पहला कैद खाना जब आपको बुलाया गया बगदाद, तो एक ऐसे कैद खाने में रखा गया जहां पर इमाम का ही चाहने वाला दरबान था। वो कैद खाने का जो जेलर कह लीजिए निगेबान, इमाम को कभी तकलीफ ही नहीं हुई, उसको शक हो गया। फिर कैद खाना चेंज किया गया, बदला गया दूसरे कैद खाने में, वो भी ठीक था। अब जब तीसरे कैद खाने में लाए, तो अभी आपने मसीह में सुना ना कि 14 साल कैद खाने में थे, तकरीबन 5 साल अजियत थी लेकिन कम थी। लेकिन जो ये 9 साल की तकलीफ थी, 9 साल मुसलसल जो कैद खाने में मेरा मौला था ना, ये एक कैद खाना ऐसा था न मौला झुक सकते थे न खड़े हो सकते थे। अल्लाह मेरा इमाम कमर खमीदा हो गया था। अल्लाह आपकी आवाजें बुलंद हो गई हैं, बारे इलाहा इन आवाजों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। इमाम को बहाने बहाने से जहर देने की कोशिश की गई, मगर इमाम को जहर देने में वो कामयाब ना हो सका। मगर आज की जो शब आई है, इस रात को उसने बुलाया अपने यहाँ और अंगूर में इमाम को जहर दिया। इमाम ने कहा मैं जानता हूँ इसमें जहर है और इसलिए खाऊंगा कि अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं मुझसे जितना काम लेना था परवरदिगार को काम ले चुका है। ये कहकर अंगूर के चंद दाने जमीन पर गिरा दिए। एक नजिसुल ऐन जानवर था, उसने खाया और फौरन ही मर गया। अल्लाह कितना कातिल जहर था। फिर इमाम ने अंगूर खाने से पहले कहा कि इसमें जहर है, 3 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा, 3 दिन के बाद मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। हाँ मुझे कफन देना, हाँ मुझे गुस्ल देना, मुझे सुपुर्दे लहद करना। अल्लाह बाप को दफन होने की कितनी आंसू थे, मुझे कफन देना था, मुझे गुस्ल देना। ए रोने वालों अंगूर खाया इमाम का बदन सब्ज होने लगा। कहने वालों ने कहा इमाम के फर्जंद अली रज़ा अलैहि सलात व सलाम आए, बाप बेटे गले मिल के इतना रोए कि हमारा और आपका आठवां इमाम लश्कर के जमीन पे गिर गया। ए मौला अरे आपसे बाप मिला, ये रोने के लिए बात बस है कि इमाम जख्मी है, बाप जख्मी है, मगर आए फर्जंद ज़हरा। जब वक्त आखिर आया तो इतना जख्मों में चूर था कि बेटा पहचान न सका। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। सैयद सज्जाद कहते हैं एक फूफी अम्मा मेरे सरहाने कौन आकर बैठ गया है। इतने बीमार थे सैयद सज्जाद, इतने बीमार थे। मैं आपको बताऊं, अगर आदमी जितना भी बीमार रहे, खुदा ना खास्ता जिस घर में है वो कमरे में आग लग जाए, जिस घर में है उस घर में आग लग जाए तो बीमारी भूल जाएगा, दौड़ कर दरवाजे से छलांग लगा देगा। अल्लाह मेरे बीमार शाबे गरीबा, कितना बीमार थे कि हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने अली की बेटी को देखा, कभी अंदर जाती है कभी बाहर निकल आती है। मैंने पूछा ए बीबी आपकी कोई
तमाम है। और एक होने वालों अगर यहाँ न रोना आए कोई बात नहीं है, कभी सोचिएगा बेबसी है मजलूमियत है। والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى